अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो तुसी सारे? कैसी तबीयत है तुहाडे सारिआं दी? अज फिर आ गए मुलाकात लई। अज मैं बैठी सा इस तरह ही, मैं अज तुहानूं जिहड़ी सच्ची गल है, मैं तुहानूं जिहड़ी चीज़ दिखाणी सी ना, अज सोचिआ सी मैं अपना एक जंबील है मेरी, तो मैं तुहानूं अपनी जंबील दिखावांगी कि वो जंबील विच की चीज़ां ने ते की कुछ है। ते जंबील तो पहले ही एक होर चीज़ नज़र आ गई, मैं कहा चलो भी जंबील नूं फिर बाद च दिखावांगे, ते अज दिखाने आ तुहानूं अपनी एक स्पैशल चीज़। माहम बड़े मैनूं मैसेज करदे ने, माहम कहंदी है कि तुसी की लांदे हो, की पुछदे हो, ते चलो भी मैं अज दस दिनी आ कि मेरी स्पैशल जिहड़ी चीज़ है, सीक्रेट कह लो कुछ नहीं, पर मैनूं अच्छी लगदी। मैनूं इस तों सिवा बहुत सारे लोशंस, बहुत सारियां चीज़ां, बहुत कुछ है इत्थे घर विच भी, इन्ने किस्म दे लोशन पए ने, पर मैं जो काफ़ी मैनूं लगता है पता नहीं 5 साल हो गए ने कि पता नहीं किन्ने साल के मैं एक क्रीम ला रही हाँ, और मैनूं इस तो बगैर मज़ा नहीं आता। जदों पाकिस्तान तो आनी हाँ ना, तो मैं लैके आनी हाँ अपने नाल अपना स्टॉक, 6 महीने का, 8 महीने का, इन सारिया शीशियाँ इकट्ठियां करके मैं लैके आनी हाँ। पर इस दफा कोरोना की वजह ना असी जल्दी वापस नहीं जा सके, फस गए, तो फिर बड़ा मसला होया। तो मैं कहा मैं की करा, फिर पता चलिया जी ऑनलाइन मिल जाती, ऑनलाइन मंगवाइया सन 2-3 महीने पहले, ते वो इस्तेमाल हो गई ने, तो हम फिर ऑर्डर किया सी ऑनलाइन, जरा फिर दोबारा आ गया जरा साड़ा ऑर्डर से, तो वो मैं तुम खोल के दिखाने हाँ भाई डब्बा आ गया वे, ते जी मेरी मैं भी हूँ ही खोलनी पी हाँ, तो उपरों पैकेट खोलिया वे, ते अंदरों तुम दिखाने हाँ ये जी साड़ियाँ आ गई ने, तिब्बत कोल्ड क्रीम। एलो जी तिब्बत कोल्ड क्रीम मैं यूज़ करनी हाँ, मेरी बड़ी फेवरेट है तिब्बत कोल्ड क्रीम। इस तो सिवा भी मेरा गुजारा नहीं, दिन होवे रात होवे, भी अच्छा कुछ 4 मंगाइया ने मैं, हूँ 2 महीने 2.5 महीने लंघ जाएंगे फिर होर मंगा लेंगे, तो ये अज ही आया पार्सल, तो मैनू बड़ी चंगी लगती है, मैं बहुत अरसे तो लानी हाँ, मेरी जो मुक्कण वाली होंगी मैं परेशानी हो जाती है कि भाई हूँ की होना, मैं मेरी क्रीम मुक्कण वाली है, तो मैं फिर परेशान हो जाती हाँ, तो ये तो बगैर मेरा गुजारा नहीं जो भाई, तो मैं ये लानी हाँ, और वो तिब्बत वाले सुन लगे यकीन मनो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे साढ़े तो मशहूरी होंगी पई है फ्री दे, पर मैं क्योंकि इस्तेमाल करनी हाँ, तो मैं तुम्हें दस दिता भी मेरे मैसेज आए सर माहम दे और बच्चिया ने कि तुम की लाते हो अपनी स्किन प्रोडक्ट दसो सानू, सानू मेकअप का दसो, तो मैं उन्होंने कहा कि मेकअप तो मैं ज़्यादा करना नहीं आता, मैं ज़्यादा करती नहीं हाँ, इसको मैं ज़्यादा करना नहीं आता, तो दूसरा है कि होर मेरा कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है, और कुछ ऐसी कोई ऐसी सीक्रेट नहीं आम मिल जाती है, मैं लगता उतों 60 रुपए की ऐसा 45-50-60 की मिलती होनी है शायद, हूँ महंगाई बढ़ गई है तो कोई 80 की हो गई होगी, मैं नहीं पता हूँ क्योंकि मैं भी इतों ऑनलाइन मंगाई है, इतों तो ज़्यादा महंगी मिली है, पर एवं कि उस पाकिस्तान तो बड़ी सस्ती जी क्रीम है, कोई इन कोई महंगी क्रीम नहीं है, पर एवं कि मेरी सूट कर दी मेरी स्किन के उपर, तो मैं बहुत साल हो गए ने चाहे गर्मी चाहे सर्दी मैं यही लानी है, गर्मियों में बस यह हों कि मैं रात को बैठ में जो सौन लगनी हाँ उदो लानी, कि दिन तो पसीना आता है ना इन्ना, तो पर सर्दियों में तो फिर 2-3 दफा फिर यही लानी हाँ, तो हूँ जी मेरी क्रीम आ गई है, मैं तेरे सामने ला भी लिया वे उन्होंने, तो उन्होंने माहम मैं स्पेशली दस रही हाँ कि माहम यह जो भी मेरा सीक्रेट तुम पूछा सी, बी ए मेरा सीक्रेट है, तो मैं चंकी लगती है, तो मैं लानी हाँ, तो हूँ भी मैं ला ली लप्पा भर के, चलो वही हूँ 2-4 घंटे चंगे निकल जाएंगे, क्योंकि मेरी स्किन जी है जी है ना बड़ी खुश्क स्किन है, उस वजह के ना फिर मैनू यह चीज़ा लोशन वगैरह कुछ नहीं करते, कि भी अच्छा लोशन कर बहुत किस्म के पे ने, पर वो रिजल्ट वो नहीं देंगे जी क्रीम देंगी, तो बेच खत्म हो गई सी, इन्नी मैं कंजूसी के नाल भी लानी सा, उ मैंने तो इन्ना मसला बन गया कि हम बड़े थकी, तो बस शुक्र है कि ऑनलाइन मिल गई, मैं कभी सोचा हो कोई आने वाला हो पाकिस्तान तो उन्होंने मंगावा, पर कोरोना की वजह ना हर बंदा फसया हुआ सी ना, इसे लोग आ भी नहीं पा रहे सन, इस तो फिर बड़ा मसला हो गया सी, तो भाई हूँ मिल गई है, हम पिछले 2 या 2.5 महीने पहले मंगवाई सी, मैंने एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं, तो खत्म हो गई ने, तो हूँ फिर आ गई है मेरी दोबारा तो ऑर्डर किया है मेरी तिब्बत कोल्ड क्रीम। चलो भी अज मैं तुम्हें यह दसिया याद शेयर की अपनी, क्योंकि मैनू
ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਹੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੰਬੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਜ਼ੰਬੀਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਿੱਬਤ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਅਤੇ ਠੱਕ 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 ਠੱਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬਈ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 4 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਐਂਡ ਮਾਹਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਬਈ। ਲਓ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਹਮ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ 'ਚ ਦੌੜ ਤਾਂ ਜਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲਡ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਬਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਈ ਗੋਡਾ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ, ਬਈ ਹੱਥ ਪਿਆ ਦੁਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।